फिर से आ चुकी है बड़ी खबर सामने, किसी और को लेकर नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर। जी हाँ, हाल ही में खबर सामने आई है विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण का काला सच बताया है। दरअसल इस वक्त दीपिका पादुकोण काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो अक्सर खुद से जुड़ी फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती है, फैंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी करती है। लेकिन इस बीच आया है विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का रिएक्शन, जिन्होंने दीपिका पादुकोण पर किया है खुलासा। विजय माल्या ने दीपिका पादुकोण को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि किस तरह से दीपिका पादुकोण ने उनका इस्तेमाल किया। दीपिका पादुकोण के साथ वो रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन दीपिका पादुकोण ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। यहां तक कि सिद्धार्थ माल्या ने यह आरोप भी दीपिका पादुकोण पर लगाया कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को कई एक्सपेंसिव तोहफे, यहाँ तक कि सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को एक्सपेंसिव तोहफे दिए, डायमंड नेकलेस दिए, डायमंड रिंग दी। लेकिन इसके बावजूद भी दीपिका पादुकोण ने सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के वो तोहफे, वो डायमंड रिंग और सेट उन्हें वापस नहीं दिया। यहां तक कि सिद्धार्थ माल्या ने तो दीपिका पादुकोण को पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण बहुत ज्यादा साइको है, बहुत ज्यादा पागल है, जिसके साथ रिश्ता रखना यानी कि खुद को बर्बाद करना है। वहीं पर जब इस बारे में दीपिका पादुकोण से सवाल पूछा गया तो दीपिका पादुकोण ने बताया कि उन्होंने ब्रेकअप इसलिए किया था सिद्धार्थ माल्या से क्योंकि एक बार आखिरी वक्त पर जब वो दोनों एक दूसरे के साथ डिनर डेट पर गए थे तो इस दौरान सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण को बिल पे करने के लिए कह दिया था। ये देखकर दीपिका पादुकोण हैरान हो गई और उन्हें थोड़ी इंसल्टिंग फील हुई, जिसकी वजह से उन्होंने विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप कर लिया। तो वही सिद्धार्थ माल्या ने ये कहा कि दीपिका पादुकोण ने महंगे तोहफे लिए करोड़ों के और उसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया। इस बारे में आपकी क्या है राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।